Dear student, assalamu alaikum. I am your maths teacher, Suresh Fogg. Dear student, hope you are doing well. Students, open book page number 192, exercise number 8A. Our topic is decimal as percentage. Now we'll start question number 4. Express each of the following decimal as percentage. So question number 4, part number A. Given part is 0.78. Question second part is required are to find decimal as percentage. इससे पहले स्टूडेंट्स हमने एक प्रोसेस अप्लाई किया था कि हमने एक परसेंटेज को डिसिमल में कन्वर्ट किया था. अब हम इसके ऑपोजिट प्रोसेस, क्वेश्चन गिवन है डिसिमल को हमने परसेंटेज में शो करना है. सो सॉल्यूशंस अब हम स्टार्ट करेंगे. सो अगेन मेंशन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस, दैट इज 0.78. सो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट एज डिसिमल एज परसेंटेज, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाई 100%. सो 0.78 मल्टीप्लाई बाई 100, देन वी गेट 78. डियर स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का क्वेश्चन का रफ एरिया. जब हमने 0.78 को मल्टीप्लाई 100 किया तो उससे हासिल हुआ 78.00. क्योंकि जब हमने 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हासिल हुआ. 7 से जब हमने 0 को अगेन मल्टीप्लाई किया तो 0 हासिल हुआ. 0 को जब फिर हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हासिल हुआ. जब हम 0 के बाद नेक्स्ट फिगर अगेन 0 है, जब 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम फर्स्ट डिजिट के नीचे एक क्रॉस लगाएंगे. सो 0 को जब हम तीनों फिगरों से मल्टीप्लाई करें अगेन 3 टाइम हमारे पास 0 आ जाएंगे. अगेन जो है हमारे पास 0 के बाद 1 का नंबर है. जब 1 को हम किसी फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले हम जो है दो फिगर क्रॉस लगाएंगे. अब हम 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वन जर 8, 7 वन जर 7, 0 वन जर 0. अब तमाम हासिलशुदा फिगर को हम प्लस करेंगे. तो 0 के साथ हमने क्रॉस प्लस किया तो 0, 0 के साथ फिर क्रॉस प्लस किया तो 0, 0 प्लस 0, 0 प्लस 8 तो 8, 0 प्लस 7 तो 7 एंड 7. अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पॉइंट जो है 2 फिगर के बाद आ रहा है, तो हम यहाँ भी 2 फिगर के बाद पॉइंट लगा रहे हैं. तो मीन 78.00 आर 78. तो इस तरह जब हमने 0.78 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 78%. सो रिक्वायर्ड रिजल्ट इज 78%. डियर स्टूडेंट, सी क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर डी, दैट इज 0.095. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज डिसिमल एज परसेंटेज. डिसिमल को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. नाउ वी विल स्टार्ट सॉल्यूशन एरिया. सो अगेन क्वेश्चन मेंशन इन सॉल्यूशंस, दैट इज 0.095. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट एज डिसिमल एज परसेंटेज, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 100%. सो 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100%. व्हेन 0.095 मल्टीप्लाई बाय 100, सो वी गेट 9.500. क्योंकि यह हमारे पास जब हमने 0.095 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9.5500 हासिल किया. यहाँ हमारे पास पॉइंट से पहले 3 फिगर हैं. सो दैट्स वाई हमने यहाँ 3 फिगर के बाद पॉइंट को मेंशन किया. सो यहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा 9.5%. डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर ई, दैट इज 1.35. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट एज डिसिमल एज परसेंटेज. सो अगेन क्वेश्चन मेंशन इन सॉल्यूशंस 1.35. क्वेश्चन रिक्वायरमेंट इज शो टू परसेंटेज.
So that's why multiply by 100%. When one question making is 1.35 multiply by 100%, when 1.35 multiply by 100, so we get 135.00. 1.35 multiply by 100, we get 135.00, mean 135 and percent. So required result is 135%. Dear student, attention for question number 5. Find the value each of the following. अब हम इस question में इनकी values find करेंगे. So question number 5, part number A, 50% of $70. $70 की 50% हम show करेंगे कि $70 में 50% की कितनी values आती है. So question given part is 50% of $70. Question second part is required, that is value. Now again question mentioned in solutions, 50% of $70. 50% of mean multiply and $70. Now we apply percentage, per mean divide and sin mean 100. 50 divided by 100 and multiply by $70. Now we multiply by 50, multiply by 70. 70 multiply by 50, we get 3500. So question making is 3500, now divided by 100, we get 35. So required result is $35. 50% of $70 is to $35. So students, now start question number 5, part number B, that is 80% of 4.5 meter. So we find 4.5 meter of 80%. 80% of 4.5 meter. So we start our solution area, 80% of 4.5 meters of mean multiply. Now we apply percentage. So per mean divide and sin mean 100. Now 80 multiply by 4.5 meter. So we get 360. 80 multiply by 4.5. So we get 360.0, mean 360. Then 360 divided by 100. So we get 3.6 meters. So 80% of 4.5 meter is equal to 3.6 meter. So required result is 3.6 meter. Dear student, ये तो था हमारा lecture. उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी. आज मैं आप लोग को जो task given करूँगा वो है हमारे पास exercise number 8A, page number 192. Question number 4, part number B, C and F. Thank you.